एक दिन भगवान ने विचार किया, हम किसको क्या दिए हैं, किसको क्या समस्याएं हैं। उसी समय हस्तिनापुर से एक ब्राह्मण देवता पत्र लेके आते हैं, ठाकुर जी को देते हैं। ठाकुर जी पत्र पढ़े, उसमें यज्ञ का न्योता मिला था। कहां? भगवान के जो परम मित्र हैं अर्जुन, उनके यहां यज्ञ हो रही थी, तो भगवान को निमंत्रण दिया था। और उसी समय जरासंध का इतना आतंक हुआ कि जरासंध से दुखी अधीनस्थ राजा भी भगवान की शरण पहुंच गए। कहा, मुझे मेरी राजधानी दिलाओ। तो भगवान ने कहा, चलो जरासंध का भी उद्धार करते हैं और भगवान का भी उद्धार करते हैं। हस्तिनापुर गए भगवान। हस्तिनापुर चले, 16,100 रथ के साथ ब्राह्मण आदि सब सेनाएं लेके भगवान गए। वहां पहुंचे तो भगवान का सबने आदर सत्कार किया। तो ये हुआ कि किसको कौन सा यज्ञ में काम दिया जाए, ये यज्ञ में काम कौन क्या काम कर सकता है। तो कहा ठीक है। तो भगवान ने कहा कि देखिए, सबसे पहले यज्ञ में व्यवस्थापक की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? व्यवस्थापक की। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन ने व्यवस्थापक नियुक्त किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को व्यवस्थापक नियुक्त किया और उसके बाद द्रौपदी भोजन परोसने का काम करने लगी। द्रौपदी भोजन परोसने का काम करने लगी और भीमसेन ने भंडारे का काम संभाल लिया। भीमसेन ने भंडारे का काम संभाल लिया। सहदेव जो है वो सामग्री देने लगे कि क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा। और दुर्योधन को भगवान ने भीमो महासाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधना, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया। अब बहनों विचार करो, जिससे भगवान, जिससे अर्जुन की शत्रुता हो, क्या दुश्मन के हाथ में कोई अपने धन की, अपने तिजोरी की चाबी देगा पर परोजन में? लेकिन भगवान ने कहा नहीं, यहां दुर्योधन को ही कोषाध्यक्ष बनाया जाए। जितना धन है, जितनी सामग्री है, सब दुर्योधन देखेगा। तो दुर्योधन ने मन में विचार किया कि अगर कोई 10 रुपया दान में मांगेगा तो मैं उसको 20 रुपये दूंगा और एक दिन पांडवों की तिजोरी हो जाएगी खाली और यज्ञ सफल नहीं होगी तो संसार में इनकी प्रतिष्ठा घटेगी। और दुर्योधन मन में ये विचार किया कि जब ये पांडवों की तिजोरी खाली कर देंगे
तो ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं मिलेगा। दुर्योधन ने सोचा कि ज्यादा खर्च कर देंगे तो जो ब्राह्मण पूजा पाठ करने आए हैं इनको दक्षिणा नहीं मिलेगा। तो इन्हीं के ब्राह्मण के द्वारा पांडवों को श्राप दिला के हम महाभारत वाला बदला लेंगे अपने अपमान का। और सर देते रहो। तो भीमसेन को अध्यक्ष बनाया गया। यज्ञ प्रारंभ हुई, सब सब काम में लग गए। भगवान ने कौन सा काम लिया? भगवान भी काम कर रहे हैं। मानो भगवान हमें आपको ये बता रहे हैं कि यज्ञ में बिना कुछ दिए बिना कुछ किए वहां का अन्न खाना सबसे बड़ा पाप है। तो भगवान ने कहा कि हम भी कुछ करेंगे, बिना किए कुछ नहीं खाएंगे। तो भीमसेन युधिष्ठिर ने कहा आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठ के व्यवस्था देखो। तो भगवान ने एक बड़ी के परात मंगाई और जितने पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग, अतिथि लोग आ रहे थे, संत लोग, भगवान सबके चरण धो रहे हैं। जितने भी आए सबका भगवान ने चरण धोया, ये काम लिया। एक महात्मा तो कह रहे थे कि जब सब भंडारा खा के जा रहे थे तो पत्तल कोई उठाने वाला नहीं था, तो भगवान पत्तल भी उठाने लगे। कल हमारे एक स्नेह भाजन है, फोन किए कि महाराज जी आप जैसे निर्छल व्यक्ति हैं वास्तव में कोई मिलेगा नहीं। तो उन्होंने फोन किया कि महाराज कल वर्षा हो गई और माताएं खूब दान दक्षिणा रुक्मणी विवाह की पौपीजी लेके आई थी, लेकिन वर्षा के कारण आपका नुकसान हुआ। हमने कहा नहीं। तो उन्होंने एक बात कही, कहा कि नुकसान हुआ, फिर उन्होंने कहा कि चलो जो कर्म में होगा वो तो मिलेगा ही। तो उसने ने एक बहुत सुंदर बात कही, कहत भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिना, बिलख कहो मुनिना, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस हानि, लाभ जीवन मरण जस अपजस। उन्होंने ये चौपाई कही, कहा हानि हानि हो गया एक, लाभ हो गया दो, जीवन हो गया तीन, मरण हो गया चार, जस हो गया पांच और अपयस हो गया चार। छह चीजें गिनाई। हमने कहा देखिए आप सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं प्रभाकर जी, परंतु मेरा चिंतन सुन लीजिए, मेरा चिंतन सुन लीजिए। लाभ किसको हुआ? लाभ जब कल वर्षा हुई, जहां लाभ हानि की बात हो रही तो लाभ किसको मिल रहा है? लाभ करौंदिया के श्रोताओं को मिल रहा है और मुख्य जजमान को मिल रहा है। नोट करते रहना, लाभ किसका है? इनका और श्रोताओं का। हानि किसकी है? हानि माने नुकसान। नुकसान किसका है? नुकसान हुआ अभिमानियों का, जिनको दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे का धन, दूसरे का नाम, दूसरे का यश सुन के खुजली होने लगती है। वो कहे होंगे अरे राम 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 राम, अब कैसे होगा, ये होगा, उनको खुजली हो रही होगी। हानि लाभ हुआ करौंदिया के श्रोताओं को और हानि हुआ अभिमानियों को। जीवन किसको मिला? जीवन इस यज्ञ से जीवन किसको मिला?
जीवन मिला भारत के किसानों को, क्योंकि थोड़े से लाभ के चक्कर में भगवान ने वर्षा कर दी तो पूरे भारतवर्ष के में कृषि हो रही है। आप विचार करो, अगर भारत में वर्षा हो गई तो कितने किसानों ने अपने खेती की खेती सींची होगी, और नहीं होती तो कितना नुकसान होता। तो जीवन किसको मिला इस यज्ञ से? भारत के किसानों को। मरण किसका हो रहा है इसमें यज्ञ में? मरण किसका हो रहा है? मरण हो रहा है पाप पुंजों का, जो हमारे दैहिक दैविक पाप हैं इस यज्ञ के, मरण हो रहा है पाप पुंजों का। यश किसको मिला? यश किसको मिला इस यज्ञ में? यश मिला करौंदिया वालों को। ताली पीटी किसने? करौंदिया वालों ने। यश किसको मिल रहा है? यह कथा देश विदेश तक जा रही है। किसको यश मिल रहा है? करौंदिया को। और अपयश किसको मिल रहा है? अपयश मिल रहा है कथा द्रोहियों को, राम द्रोहियों को, जो कथा में, राम कथा में यज्ञ में बाधक है, उनको अपयश मिल रहा है। वो सोच रहे थे कि पानी बरसे सब सब दिक्कत हो जाए, लेकिन इस चौपाई का अर्थ हम इस यज्ञ से लगाए हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिमात। लाभ मिला करौंदिया वालों को, हानि हुई अभिमानियों को, जीवन मिला किसानों को, जस मिला आयोजकों को, अपयश मिला कथा द्रोहियों को, सनातन द्रोहियों को कथा मिला। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए हमारा कुछ नहीं गया, हमारा तो कुछ नहीं गया, और जाएगा क्या? सब बराबर है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो किसी ने उसको, दुर्योधन ने भंडारा संभाल लिया, द्रौपदी भोजन परोसने लगी, बड़ा सुंदर सुंदर हो रहा है, सहदेव सामग्री पहुंचा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, कन्हैया द्वारिकाधीश ये बताओ कि आपने दुर्योधन को कोषाध्यक्ष क्यों बना दिया? कहीं हानि न कर बैठे? क्योंकि शत्रु अवसर ढूंढता है हानि करने का। तब मेरे भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर दुर्योधन के हाथ में पद्म रेखा है, ये अगर 10 रुपए दान करेगा तो इसके कोच में 10 गुना और आ जाएगा, मतलब बढ़ोतरी होगी। युधिष्ठिर अचेत हो गए। अरे कहा, राम राम, जब आप 5 गांव लेने गए थे दुर्योधन से, उसी समय ये बतिया बता देते कि तुम पांचों को, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो तो 10 गांव तो उनको वैसे भी दान में मिल जाता। भगवान ने कहा, हर समय हर किसी से, हर व्यक्ति को मैं हर बात नहीं बताता हूँ, जिस दिन व्यक्ति जानने लगेगा मेरी भगवत सत्ता खत्म हो जाएगी, इसीलिए तो मैं भगवान हूँ, इसीलिए भगवान। और नहीं सही है, 5 गांव मांगने गए थे, अगर कह देते कि एक काम करो 5 गांव दे दो, तुम्हारे 10 गांव हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन ये बात दुर्योधन को भी नहीं पता। बोल गोविंद भगवान की जय। बढ़िया यज्ञ प्रारंभ हुई, एकदम नई नई साड़ी पहन के द्रौपदी और युधिष्ठिर के साथ गठबंधन हुआ। हवन कुंड बड़ी से बनी थी, और बढ़िया यज्ञ स्वाहा स्वाहा। जगनेन जगनमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागम महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः शक्तिदेवा। यज्ञ प्रारंभ।